इससे बड़ा मजाक नहीं मानता हूं जो ये जो कह रहे हैं। देखिए कह कौन रहा है, आपने राहुल गांधी की बात करी। राहुल गांधी जी की 2014 के पहले जिनकी अपनी सरकार थी, 235 से ज्यादा उनके सांसद थे, पूरी अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन अपने उनके नेतृत्व में आते ही 115 रह गए। वो उस समय कह रहे थे असंभव है और मौत का सौदागर और कितनी कितनी प्रकार की गंदी गंदी बातें मोदी जी के बारे में कही थी, लेकिन जनता ने उस बात का प्रतिसाद क्या दिया, उनकी सरकार गई 115 रह गए। 2019 में और गंदा बोल रहे थे, क्या क्या नहीं बोले, तो 52 एक बस की सवारी रह गई उनकी 115 से घट करके। और आप उसके उल्टा अभी 2024 में देखो, वो स्वयं भागे अमेठी से हार करके, और ये कह रहे हैं मोदी जी की सरकार आएगी तो मैं आपको इस तरह से आपको ध्यान दिलाऊंगा, आपकी कुल 2 सीट थी अमेठी और रायबरेली, आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो, आपकी ये हिम्मत नहीं है, आपकी मम्मी की भी हिम्मत नहीं, पहले आपने अपनी सीट गंवाई और मम्मी ने लड़ने से मना कर दिया, तो आप अपनी पार्टी का संदेश क्या दे रहे हो, आप में इतना ही दम नहीं कि रायबरेली से सोनिया गांधी जी खुद लड़ ले, वो तो जीती हुई थी ना, और ये वायनाड भागे थे, वायनाड को छोड़ के वापस आ रहे हैं, तो अमेठी पे भी खुद भी नहीं लड़ पा रहे, बहन को भी नहीं लड़ा पा रहे, बल्कि जाकर के रायबरेली से लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर से कितने डरे हुए, तो ये नहीं बोल रहे, इनका डर बोल रहा है, मोदी जी का तो सामने दिख रहा है कि ये 4 जून में क्या देर लग रही है। और लालू यादव जी की बात जहां तक आपने कही, तो वो अपनी उत्तर प्रदेश और बाकी की जगह तो बात ही नहीं कर सकते, बिहार में भी पूरी सीट पे नहीं लड़ पा रहे, उनकी अपनी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दिखाएगा क्या होगा। अरे मैं कहां मानता, पूरा देश ही नहीं मानता, मैं क्या करूं उसके लिए, उनका जो वर्सन है। अब आप बताइए कोई आदमी कभी अपने पुराने पीएम इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मम्मी जी, उनके पापा जी, सबसे कहा उनने उनकी तरफ से में गलतियां हुई है और ये गलती सुधार देंगे और ये खटाखट गरीबी दूर कर देंगे, ये तमाशेबाजी बालते, ये क्या कोई फिल्मी डायलॉग से काम नहीं चलेगा, ये थोड़ी बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है, समझदारी से बात करना चाहिए। और ये बात दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रही है कि कांग्रेस को ही इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है, क्योंकि लीडरशिप में ये सारी बातों की समझ नहीं है। लीडरशिप जब तक आप धारदार पेनी व्यवस्थाओं के आधार पर समझने वाली नहीं करोगी, मुझे तो बड़ा दुख होता कि इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस और हमारे सामने जिस स्थिति में पहुंची है, सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी जी ने जो 47 में कहा था, नेहरू जी ने बात नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी जी बात मान रहे हैं कि वो कांग्रेस खत्म करके मानेंगे। भाई बात वही है कि ना उनको मंत्री का अनुभव, ना अध्यक्ष का अनुभव, ना कोई राजनीति का अनुभव है, और वो जिस ढंग से बात रखते हैं पूरे देश में, इतने बड़े देश के अंदर अपोजिशन का भी कम से कम कुछ तो स्तर होना चाहिए, और वो भी उस व्यक्तित्व के सामने, सूरज के सामने दीपक भी नहीं है, ये माचिस की तीली से बढ़कर के इनकी ताकत नहीं है, और ये अपने आप को सूर्य बन के प्रकाश की तरह दिखाना चाहते हैं, तो ये नकली या दिन में सपने देखना चाहे तो देखें, कोई नहीं रोक सकता है, सपने देखने से कोई किसी को रोक सकता है क्या। दो बार आपकी बात झूठी पड़ी, उसके उल्टा आप बताइए, माननीय मोदी जी ने पहली बार कहा था कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, 2014 में देखा ये गैर कांग्रेस की 60 साल बाद एक प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं। दूसरी बार उन्होंने कहा उनके नेतृत्व में कि हम अब की बार 300 पार, वो हुआ है, और अब की बार 400 पार तो दिख ही रहा है कि चरण बचा है, कितनी सीटें हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से, देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।